hello students and welcome back to bankexamsheddotcom my name is ramandeep singh and students today we are going to do the exam analysis for sbi cbo 2024 exam the exam held on uh, 21st of january right 2024 january 2024 sunday exam watha right so today i'm going to do the proper analysis of that okay so let's start the session okay, my name is ramandeep singh and i've been teaching on bank exams for from last 12 years now. so students, there was english section, 30 questions were there, and trust me, it was very easy. i explained karunga in the paper, exactly. then there was banking knowledge, there was general economy and the general awareness, and then the computer aptitude, just basically reasoning. Questions. so english language was easy. there was no negative marking. Uh, it was mentioned in the handout as well.

आई मीन आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश रीजनेबली अच्छी है ठीक है देवर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द थर्टी क्वेश्चन विद इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स क्योंकि एक ही आर सी थी एंड देन देवर फिलिंग द ब्लैंक्स रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पैराजम्बल आ गए आपके राइट या ईडीएम्स आ गए तो ईजिली कैन बी डन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था आर सी बहुत ही ईजी थी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ईजिली विद इन ट्वेंटी मिनट्स आप कवर कर सकते थे एंड ट्रस्ट मी आउट ऑफ थर्टी ट्वेंटी फाइव मार्क्स लेना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है इसमें ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मार्क्स लिए जा सकते हैं दैट वुड बी अ गुड स्कोर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स इतने मार्क्स ईजिली लिए जा सकते हैं इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश रीजनेबली अच्छी है बैंकिंग नॉलेज वॉज ईजी रिलेटिवली ईजी आई वुड से Uh, वही सेम टॉपिक से वही आरबीआई के सर्कुलर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सरफ आई सी के एक क्वेश्चन आया रिपीटेड क्वेश्चन सिंपल यू आई की फुल फॉर्म क्या है राइट सिंपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन एन की डेफिनेशन राइट uh, वही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में एग्रीकल्चर का कितना टारगेट है एटीन परसेंट सो सिंपल क्वेश्चन से आउट ऑफ फोर्टी थर्टी टू टू थर्टी फाइव मार्क्स लेने उतने डिफिकल्ट नहीं है इतने रीजनेबली आप ले सकते थे जनरल अवेयरनेस वॉज शॉर्ट ऑफ आई वुड से मॉडरेटली डिफिकल्ट मैं बोलूँगा राइट आउट ऑफ थर्टी इट इज़ डिफिकल्ट टू स्कोर मोर देन ट्वेंटी आई वुड से एटीन टू ट्वेंटी अगर देखिए इफ देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग देन अचीविंग लाइक ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव आई वुड से ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री मार्क्स रीजनेबली पॉसिबल राइट अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं रीजनिगेबिलिटी वॉज डिफिकल्ट कंप्यूटर uh, एप्टीट्यूड जैसे बोलते हैं इट वॉज एक्चुअली डिफिकल्ट आउट ऑफ ट्वेंटी आई वुड से अटम्प्ट करना क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट इवन आई आई हैव सीन द पेपर आई हैव द पेपर माई सेल्फ आपका एग्जाम देखने के लिए आई आई वेंट फॉर द फॉर द एग्जाम राइट सो इट वॉज डिफिकल्ट आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन इवन इफ यू वर एबल टू अटैप्ट टन अगर आप सही से दस क्वेश्चन भी अगर आप कर सकते थे जो डिफ़िकल्ट थे एक्चुअली दस भी अटैम्प्ट करने डिफिकल्ट थे सेवन एट क्वेश्चन आई वुड से आप सही अटैम्प्ट करते हो बाकी अगर आप गेसेस भी लगाते हो तो ट्वेल्व टू थर्टीन मार्क्स यहाँ पे पॉसिबली uh, लिए जा सकते हैं ठीक है नाउ यू कैन राउंड ऑफ आप कर सकते हो टोटल लगा सकते हो लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव देयर एंड हेयर फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी टू सेवेंटी एंड एटी नाइनटीन लाइक एटी फाइव टू नाइंटी आप uh, यहीं से एटी फाइव टू नाइंटी मार्क्स आउट ऑफ वन ट्वेंटी यहाँ से लेने पॉसिबल हैं एटी एटी फाइव इश मार्क्स दैट मज अज पॉसिबल रीजनेबली पॉसिबल आई वुड से ठीक है आई टेल यू वट काइंड ऑफ क्वेश्चन वर देयर बट दिस इज द एक्सपेक्टेशन दीज आर द एक्सपेक्टेशंस ठीक है ले मी जस्ट हाइट माई फेस दीज आर द एक्सपेक्टेशन्स एटी फाइव टू नाइंटी इंग्लिश वॉज ईज़ी राइट बैंकिंग वॉज़ वेरी ईजी इंग्लिश वॉज वेरी ईजी बैंकिंग वॉज वेरी ईजी जनरल अवेयरनेस वॉज काइंड ऑफ मॉडरेटली डिफिकल्ट आई वुड से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी बहुत कई रैंडम टॉपिक्स थे जो शायद बहुत सारे करंट अफेयर्स जो करवाते हैं वो कवर नहीं कर पाते काफ़ी रैंडम भी आया था ज़्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं था इट वॉज लाइक फोर फोर मंथ्स फाइव मंथ्स ओल्ड ओनली अक्टूबर नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर ही थे ज़्यादा जनवरी के इतने ज़्यादा पुराने नहीं थे बट स्टिल रीजनेबली पॉसिबल कि आप बीस बाईस मार्क्स ले सकते हो पाँच छः क्वेश्चन डिफिकल्ट थे बाकी ईजी थे कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आई वुड से कि uh, uh, जो रीजनिंग था रीजनिंग का सारा इट वॉज डिफिकल्ट काइंड ऑफ डिफिकल्ट ओके लेट मी जस्ट शेयर द क्वेश्चन दैट वर आस्ट उससे पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर डिस्क्रिप्टिव पेपर वॉज वेरी ईजी वेरी ईजी पेपर ओके बट द बैड की बोर्ड बैड इक्विपमेंट्स और बैड कीबोर्ड मेड द पेपर वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ठीक है कीबोर्ड uh, बहुत खराब थे uh, सब जगह पे मोस्ट ऑफ द जो सेंटर्स रहते हैं जो कंप्यूटर uh, जो कंप्यूटर हैं उनके दे वेरी आउटडेटेड पुराने कंप्यूटर्स होते हैं एंड द कीबोर्ड्स वर रियली रियली बैड कीज स्टक कर रही थी कीबोर्ड बहुत पुराने थे उनके एंड मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स वो टाइप अच्छे से नहीं कर पा रहे थे टॉपिक्स वर वेरी इजी द इन द लेटर राइटिंग द टॉपिक वाज लाइक यू आर फॉर रिक्वेस्टिंग द योर अकाउंट स्टेटमेंट सिंपल अकाउंट स्टेटमेंट जो शायद सारे ही करवाते हैं मैंने भी करवाया था सिंपल जो पैटर्न uh, सिखाते हैं उसी पर सिखाया था द इट वॉज सेम वॉज देयर Uh, 250 words tha, uh, from banking, rural problems uh, faced in the rural banking in india, very basic topic. anybody can do that. which difficult tha. topics were very easy. but again, i told you, it was a test of your english. Uh, so it was very easy. but the keyboards, uh, they i mean, it was very difficult to type on them. वो स्टक कर रहे थे किसी का एंटर दबा हुआ रह गया कोई बैक स्पेस नहीं चल रहा किसी के तो डब्ल्यू uh, uh, जो बटन था वो नहीं चल रहा था वेरी वेरी स्ट्रेंज इशू उसकी वजह से शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स इसमें ना आ पाए राइट टॉपिक्स वर वेरी इजी अगर आप हाथ से लिखते तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते स्टूडेंट्स सो आई थाट कि थर्टी मिनट्स का टाइम बहुत कम रहेगा बट नो इट वॉज़ नॉट एन इशू टाइम मैनेजमेंट वॉज नॉट एन इशू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स द इशू वॉज बैड कीबोर्ड्स सो आई वॉन्ट टू आई एल राइट अ कंप्लेन टू द एस बी आई रिगार्डिंग दैट आई मीन इफ यू आर चार्जिंग एट हंड्रेड नाइन एट हंड्रेड रुपीज अ थाउजेंड रुपीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर अपेरिंग फॉर द एग्ज़ाम एटलीस्ट प्रोवाइड दम अ गुड की बोर्ड अच्छा कीबोर्ड दीजिए वो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं और ये पचास मार्क में से स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकते थे लेकिन लॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव डिस टोल्ड मी सर की बोर्ड्स व नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो दैट इज वाई वी आर अनएबल टू परफॉर्म वेल इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था सारा द न्यू द ऐसे टॉपिक वेल वो अच्छे से लिख सकते थे प्रॉब्लम फेसड इन द रूरल बैंकिंग इन इंडिया लेकिन वो अच्छे से कर नहीं पाए वाई बिकॉज की बोर्ड्स टक कर रहे थे पुराने थे बहुत ज़्यादा चल नहीं रहे थे एंड सम ऑफ़ द स्टूडेंट्स दे कंप्लेन टू देंटर इन विजिलेटर इंड ऑल एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स बिकॉज उनके पास अवेलेबल नहीं थे की सारे ही की ख़राब थे कोई नहीं ढंग से चल रहा था एक भी की ढंग से नहीं चल रहा था लैब्स में स्पेशली इन द लुधियाना सेंटर ओके सो दैट वॉज अ इशू आई राइट अ लेटर आई राइट अ प्रॉपर कंप्लेन टू द एस बी आई एच आर फॉर दैट ओके सो दैट की फ्यूचर में ऐसा ना हो ओके okay. so i hope they'll they'll take action on that so even you should write in a letter uh, you should write the complaint to the sbi hr a complaint na jaye zyada hi jaye theek hai ibps ko bhi aap same forward kare ki i am the student i appeared for the exam keyboard dhang se nahi chal raha tha You paid for that, right? आपने proper एक तरह का सर्विस ले रहे हो साढ़े आठ सौ रुपये इतनी फीस होती है एंड अच्छा की बोर्ड होना चाहिए दो चार सौ रुपये का की बोर्ड है वो कौन सा अपने घर ले आना right? सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम आई थिंक द स्टूडेंट फेस्ड द क्वेश्चन बेसिक बैंकिंग क्वेश्चन वेर सबसे पहले तो बैंकिंग में दस क्वेश्चन तो बहुत बेसिक थे कैश नेफ्ट की लिमिट क्या है Uh, if you are making cash deposit, what uh, is limit limit for the PAN requirement? IFSC is required for NEFT, for saving bank account, photo is required. Uh, what is the CRR rate today? Who decides the saving bank interest rate? The bank itself decides that it. Okay, so a lot more questions were there. Basic banking, 10 12 questions directly basic banking. Se Anybody can answer that with basic banking knowledge. Then there were questions from RBI circulars, like five, six questions, I guess, uh, were, more, were there from RBI circulars in banking, and two, three questions were there in the इन द जनरल अवेयरनेस एक्शन एज वेल बिकॉज सी आपका आई आर आई सी नॉम्स हैं एन पी ए डेफिनेशन इवन दैट इज़ एन आर वी आई सर्कुलर इट सेल्फ इसमें से भी आपके दो क्वेश्चन आए हैं राइट इवन डी आई सी जी सी दिस इज एन आल्सो एन आर वी आई सर्कुलर वॉट इज नॉट कवर्ड लिमिट पाँच लाख रुपये का है और इंटर बैंक जो आपका डिपॉजिट्स है बैंक आपस में जो डिपॉजिट कर रहे हैं it is not under dicgc it's also an rba circular so rba circular risk weight to the bank staff this is also an rba circular like i would say at least 10 questions were there from rba circulars directly and indirectly okay in the general awareness indirectly we these questions are a circulars regularly this definition is also directly from rba circulars rba circulars are actually very very important i have noticed that you might have noticed it. सो so, कभी भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो आगे आर आर स्केल टू का भी एग्जाम दोगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी दोगे आर बी सर्कुलर्स को आप अच्छे से पढ़ो पिछले तीन चार साल के सर्कुलर्स को बहुत हेल्प मिलेगी आपको राइट अगर आप एनी आप स्केल टू स्केल थ्री के लेवल के एग्जाम्स दे रहे हो आर बी सर्कुलर्स अच्छे से पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़िए राइट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन से गेस चार क्वेश्चन से चेक का वैलिडिटी क्या है बेरा डिमांड ड्राफ्ट नहीं जो है देख सकते हैं बैंक्स इन केस ऑफ अ डिसोनर ऑफ अ चेक हुज़ लाइबिलिटी चेक हुज़ लाइबिलिटी इज़ इट हुज़ स्पेलिंग्स का इशू है हुज़ लाइबिलिटी इज़ इट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का क्वेश्चन था एस एल आर कौन से सेक्शन में दिया हुआ एस एल आर के बारे में स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करनी है कौन से सेक्शन में दिया हुआ है सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन व देयर इन द एग्जाम ओके आई एम नॉट हे टू प्रोवाइड यू आंसर की यू हैव ऑलरेडी डन दैट यू यू नो दैट यू यू हैव डन दैट हम ये क्यों कर रहे हैं टू लेट यू नो कि किस तरह के टॉपिक्स जो है आपको फ्यूचर के एग्जाम्स में पढ़ने चाहिए अगर आप अपेयर करोगे तो आई होप आपका ये एग्जाम निकल जाए बट आर बी आई सर्कुलर्स द आई आर ए सी नॉर्म द सरफाइसी एक्ट नैगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट द सेम टॉपिक्स वेर इन द बैंकिंग ओके जनरल अवेयरनेस में आई वुड से अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बढ़ देयर फ्रॉम द रीसेंट करंट अफेयर्स रीसेंट के तीन चार महीने के करंट अफेयर से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लेकिन दे व सम स्टार्टअप टॉपिक एज वेल फॉर एग्जाम्पल द एशियन फाउंडिंग मेम्बर्स काइंड ऑफ हिस्ट्री एशियन में से आ गया दिशा आर बी आई का जी टी पी ग्रोथ ईसा विजन विजन ग्रोथ द बैंक डिविडेंट दिस इज एन आर बी आई गाइडलाइन ये आर बी आई का सर्कुलर है डिजी लॉकर

आर का इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है सी पी आई और डब्ल्यू पी आई राइट डिजिटल इंडिया इंक्लूड्स विच प्रोग्राम सेंटर्स टू स्टेट टैक्स डिवल्यूशन कितना पैसा दिया है एग्जैक्टली अमाउंट्स में पूछा गया विच इज़ समथिंग न्यू राइट कि कितना अमाउंट है अमाउंट्स पूछ लिया, लेजेंड ऑनर फॉर स्पेस कॉपोशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस ओके किसको मिला था ये सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन वर देयर आई वोंट से इट इज ई ईजी आई वोंट से इट्स वेरी डिफिकल्ट यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेस और आप साथ में न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो तो यू कैन डू दैट रीजनेबली आप इसमें से तैतीस में से पंद्रह सोलह क्वेश्चन सतारह क्वेश्चन कर सकते थे इजिली इफ यू आर वेरी गुड एट करंट अफेयर्स तो शायद पच्चीस छब्बीस भी कर सकते थे राइट बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटिवली ईजी था काफ़ी ईजी था क्योंकि पता था कि क्या टॉपिक्स आएंगे राइट right? इन द इंग्लिश सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रियशन वॉज देयर पैरा जम्बल वॉज देयर पैरा जम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स वर देयर टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम की स्टार्टिंग में आपको दे देते हैं ताकि आप अपना टाइम वहाँ पर ख़राब करो लेकिन आई होप आपने उतना टाइम ख़राब नहीं किया पैराजल पाँच क्वेश्चन का एक सेट आया था राइट टू ईडियम्स वे फिल इन दी ब्लैंक्स वर देर फाइंड ग्रामाटिकल एरर्स किसी में ये है कि पाँच वो दिए हुए हैं सेंटेंसेज इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो ढूंढ लो एक आया ये पाँच दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है वो ढूंढ लो राइट सो रिलेटिवली ईजी रीडिंग कॉम्प्रीशन वॉज सुपर ईजी आई वुड से डायरेक्टली आपके उसमें दिए हुए हैं पैराग्राफ्स में, है. में ही से ही आपको जो है आंसर सेलेक्ट करने हैं राइट इन द कंप्यूटर एप्टीट्यूड दिस इज कंप्यूटर एप्टीट्यूड इट वॉज़ मोर ऑफ आई वुड से िटी मोरफा नहीं एबिलिटी था में से कोई नहीं आया कोई पजल या नहीं था इट वॉज डिफिकल्ट आई वुज डिफिकल्ट पीओप्री लेवल से भी डिफिकल्ट था मेन्स लेवल का था आई वुड से रीजनिंग वॉज डिफिकल्ट एस बी आई के एग्जाम्स में रीजनिंग डिफिकल्टी होती है मशीन इनपुट आउटपुट वॉज डिफिकल्टिस्म वॉज डिफिकल्ट कोडेड इन इक्वालिटीज ब्लड रिलेशन ऑल द टॉपिक्स एंड द रीजनिंगबिलिटी वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट आउट ऑफ ट्वेंटी इफ यू अगर बीस मिनट में यू आर एबल टू आंसर सेवन एट क्वेश्चन वेल वेल यू हैव डन रियली गुड आई वुड से आपने रीजनेबली अच्छा किया है राइट एंड एक दो क्वेश्चन आते थे आपको दो तीन तो इट्स नॉट गुड अटेम्प्ट आपने ज्यादा से ज़्यादा करें हैं तो ऑब्वियसली इट्स इट्स गुड ओके बट सात आठ क्वेश्चन भी अगर आपको आते थे दैट्स ग्रेट डिस्क्रिप्टिव पेपर आई टोल्ड यू राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर मैनेजर ऑफ अ बैंक रिक्वेस्टिंग बैंक स्टेटमेंट बिकॉज यू आर अपलाइंग फॉर एजुकेशन लोन आप एजुकेशन लोन अप्लाई करें उसके लिए आपको चाहिए आपके अकाउंट स्टेटमेंट वेरी इजी आपने अपना अकाउंट नंबर लिखा है कास्ट आई लिखी है और अपना एड्रेस लिखा है ये जरूरी था तो आप अपना hmm. जो है प्रॉब्लम को सॉल्व बता रहे हैं कि मेरे को चाहिए अकाउंट स्टेटमेंट uh, दे दीजिए एंड प्रॉब्लम्स इन रूरल बैंकिंग इन इंडिया एंड वन टॉपिक वाज फ्रॉम द सोशल मीडिया ओके सो दीज टॉपिक्स वर देयर इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर वेरी इजी टॉपिक्स वर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल टॉपिक्स उतने डिफिकल्ट नहीं थे टाइप क्योंकि सी इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक और इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप एट होम अ कंप्यूटर एट होम तीन चार सौ रुपये का कीबोर्ड आता है एंड आई डोंट थिंक एनी बडी यूज़ दस काइंड की बोर्ड्स जो आपको सेंटर्स में मिलते हैं सो यहाँ पर आई वोट से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अच्छा कीबोर्ड मिला होगा आई हैव सीन मैं काफ़ी एग्ज़ाम देता भी रहता हूँ खुद तो क्योंकि एलिजिबल तो नहीं हूँ बट जो दिए हुए हैं किसी टाइम पर एंड जो की बोर्ड्स हैं कई कई सेंटर्स में अच्छे मिलते हैं कई कई सेंटर्स में की बोर्ड अच्छे नहीं होते हैं राइट सो इट्स नॉट अ लेवल प्लेंग फील्ड जहाँ पर अच्छे नहीं होते हैं वहाँ पर स्कोर करना अच्छा पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से बिकॉज यू आर नॉट एबल टू टाइप प्रॉपरली तो अच्छा क्या ही होगा राइट सो जहाँ पर की बोर्ड्स अच्छे हैं तो उनका उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है तो वो तो है सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कट ऑफ के बारे में एट्टी फाइव टू नाइन्टी अब यहाँ पर लगा लीजिए एंड आउट ऑफ फिफ्टी यू कैन एक्सपेक्ट लाइक थर्टी थर्टी फाइव का यहाँ पर अच्छा स्कोर हो सकता है सो so ओवरऑल लाइक वन टवेंटिश वन टवेंटी मैं बोलूँगा टोटल वन टवेंटी आउट ऑफ देख लीजिए uh, आपका बन जाता है दोनों मिला के वन फिफ्टीन टू वन टवेंटी वन टवेंटी फाइव फॉर द जनरल कैटेगरी दैट वुड बी अ गुड स्कोर वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फ़ाइव दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर रीज़नेबली गुड स्कोर एक सौ पंद्रह एक सौ बीस एक सौ पच्चीस रीजनेबली गुड स्कोर है एनीथिंग लेस देन हंड्रेड इज़ नॉट अ गुड स्कोर आई वुड से सौ से कम स्कोर अच्छा नहीं है ठीक है सो वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव अ गुड स्कोर इससे ज़्यादा तो क्या ही हो पाएगा राइट हाँ वन ट्वेंटी फाइव इससे ज़्यादा कट ऑफ हो सकती है हो सकता है कि क्योंकि डिस्क्रिप्टिव uh, पेपर में आई हैव नेवर सीन एनी बडी स्कोरिंग फोर्टी फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स चालीस बयालीस बहुत रेयर स्कोर है ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट्स गेट अ स्कोर बिटवीन लाइक थर्टी टू थर्टी फाइव एंड अ लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स गेट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डिस्क्रिप्टिव में उतना अच्छा स्कोर नहीं मिलता है दैट्स वेरी कॉमन तो यहाँ पर आई एम टेलिंग यू थर्टी थर्टी फाइव अगर आप यहाँ पे ले लेते हो प्लस लाइक एटी फाइव नाइन्टी वहाँ पर ले लेते हैं तो दैट्स अ गुड स्कोर आई वुड से वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव वन थर्टी जनरल कैटेगरी के लिए दैट्स अ रीजनेबली गुड स्कोर एंड दैट शुड बी द कट ऑफ इतनी कट ऑफ होनी चाहिए राइट एंड आई होप यू लाइक द टूडे सेशन आई होप आई क्लेरिफाइड एवरी थिंग if there is any doubt, you can uh, post a comment and uh, i'll update whenever uh, the results are out, my proper update, karunga, on the youtube channel itself. and that's all for today, students. Uh, thank you and have a very nice day. subscribe to the channel and like this video because that's important for me. thank you.